Hello, welcome back to my channel English Saitya. In this video we are going to start Marigold book 5 textbook in English for class 5th to unit number 7 topsy turvy land. Okay, to aaj hum 7th unit ko complete karne ja rahe hain topsy turvy land form. Okay, so hum topsy turvy land ke bare mein thoda jaan lete hain. Kya hai iske yahan par? Have you ever thrown your shoes, school bag on your bed? क्या तुमने कभी अपने जो स्कूल बैग है अपने स्कूल बैग को क्या बेड के ऊपर फेंका है? Have you ever left your shoes and socks here and there? जैसे इसने यहाँ पर एक शूज यहाँ पर फेंका हुआ है, एक शूज कहीं और जगह फेंका हुआ, क्या तुमने कभी अपने शूज को इस तरीके से फेंका? Here and there. Have you ever played with your ball in your room? क्या तुमने कभी अपनी बॉल के साथ रूम में खेला है? मतलब अगर तुम रूम में खेलोगे बॉल के साथ तो क्या सारी चीजें टूट फूट जाएगी, उनकी बॉल क्या है इधर उधर गिर जाता है. Does your room sometimes look like this? क्या तुम्हारा रूम किसी समय ऐसा दिखाई देता है जैसे देखो इसने बैग बेड के ऊपर फेंक दिया है और बुक्स देखो नीचे गिरी हुई है, कलर्स वगैरह बुक्स उल्टी पड़ी हुई है, कलर्स इधर उधर फेंके हुए, चेयर गिरी हुई है, बेड यहाँ पर, एक शूज यहाँ पर पड़ा हुआ है, दूसरा शूज यहाँ पर पड़ा हुआ है. क्या आपकी रूम की हालत भी कभी ऐसी होती है बच्चों? ओके, तो लेट्स स्टार्ट दी पोम. Now read about one such upside down lens. तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, topsy turvy lens के बारे में. तो यहाँ पर कैसा है? Okay. The people walk upon their heads. तो जो यहाँ के लोग हैं वो क्या है? अपने सिर के बल पर चलते हैं. Walk करते हैं कैसे? सिर के बल पर. जैसे हम लोग क्या है? पैरों के बल पर चलते हैं. ये लोग क्या है? सिर के बल पर चलते हैं. यहाँ पे topsy turvy lens में. The sea is made of sand. और जो sea है वो क्या है? सैंड बनाता है. जैसे रेगिस्तान में होता है सैंड, मतलब तो क्या है यहाँ पर क्या है टॉपसी टर्विलेंट में? समुद्र में सी दिखाई दे रहा है. ओके, द चिल्ड्रंस गो टू स्कूल बाय नाइट. जो चिल्ड्रंस है ये क्या है? बाय नाइट स्कूल जा रहे थे. देखो यहाँ पे चांद तारे वगैरह दिखाई दे रहे, तो ये क्या है इस समय स्कूल जा रहे रात को, दिन में क्या है पूरे दिन भर घर में है. ओके, इन टॉपसी टर्विलेंट. तो ये सब चीजें कहाँ हो रही है? टॉपसी टर्विलेंट में. ओके, नेक्स्ट है द फ्रंट डोर स्टेप इन एट द बैक. और जो फ्रंट डोर है, जो सामने की इस सीढ़ी है वो क्या है? सबसे पीछे है. एंड यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड. और तुम मतलब यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड, तुम्हारे मतलब जब तुम्हारे साथ होते हैं तो तुम क्या है? तो तुम चल रहे होते हो. मतलब जब तुम साथ होते हो तो क्या है? तुम चल रहे होते हो. यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट. और तुम क्या है? तुमने क्या है अपनी टोपी को कहाँ पहनी हुई? अपने पैरों में पहनी हुई है. देखो यहाँ पे क्या है, मतलब हाथों से तुम चल रहे हो, वॉकिंग मतलब हाथ से चल रहे हो पैरों के बजाय. और हेड कहाँ है? जो सिर पे पहनी जाती है वो इसने कहाँ पहनी हुई है? पैरों में पहनी हुई है. इन टॉपसी टर्विलेंट. और ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? टॉपसी टर्विलेंट में हो रहा है. ओके, नेक्स्ट है एंड बुशेस ऑन द सी यू विल मीट. तो समुद्र में क्या है तुम्हें क्या मिलेगी? बुशेस मिलेगी, मतलब घास वगैरह कहाँ मिलेगी आपको? समुद्र में मिलेगी. While pleasures boat and planned to travel up and down to state the topsy turvy land. तो ये क्या है? मतलब while pleasures boating are planned. और जो boating कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं? प्लेन में कर रहे हैं, पानी में नहीं कर रहे. समुद्र में जैसे नदी में boating नहीं हो रही, यहाँ पे कहाँ है मतलब प्लेन जगह पर boating हो रही है. To travel up and down and state. तो क्या है उल्टी सीधी भूमि में क्या है मतलब traveler हो रहा है यहाँ पर. तो ये सब चीजें कहाँ हो रही है? टॉपसी टर्वी लैंड में. यू पे फॉर व्हाट यू नेवर गेट. मतलब यहाँ पर टॉपसी टर्वी लैंड में क्या है, जो तुम नहीं लोगे उसके लिए पे करना पड़ा है. जैसे नॉर्मल क्या होता है, जो हम लेते हैं उसके लिए हमें मतलब पैसे देने पड़ते हैं अगर हम कुछ सामान लेते हैं यहाँ पर. लेकिन यहाँ पे क्या है, जो तुम नहीं लोगे उसके लिए तुम्हें पैसे देना है. जो तुम खरीदोगे वो क्या है, तुम्हें फ्री में मिलने वाला है. इसका मतलब क्या है? आई थिंक इट मस्ट बी ग्रांड. तो मुझे लगता है ये क्या है, वह बे होना चाहिए. मतलब ये सब चीजें क्या है, ग्रांड है. फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक. मतलब क्योंकि जब तुम वापस जाते हो तो इसका मतलब तुम कमिंग बैक हो रहे हो, मतलब वापस आओगे. क्योंकि जब तुम जाओगे तो इसका मतलब क्या है, तुम घर वापस आओगे. तो वापस आओगे तो ये सब चीजें कहाँ हो रही है? टॉपसी टर्वी लैंड में हो रही है. इट्स रिटन बाय एच ई विल्सन. तो अब हम इसके न्यू वर्ड्स कौन से थे? टॉपसी टर्विलेंट मतलब अपसाइड एंड डाउन, अपसाइड एंड डाउन. और नेक्स्ट है प्लेजर, फीलिंग ऑफ इंजॉयमेंट. और ग्रैंड मिस क्या होता है? बिग, ग्रेट, फन.
इस स्टोरी में हमने क्या देखा, इस पोम में मतलब इस ये कविता क्या है, अजीब ही लेंस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कुछ, मतलब सब कुछ क्या है अलग है बिल्कुल हमारी एक्चुअल दुनिया में से। यहाँ पर क्या है, लोग सिर के बल पर चलते हैं और समुद्र में मतलब क्या है रेत है, और स्कूल क्या है रात को जाते, बच्चे स्कूल कब जा रहे हैं, रात को जा रहे हैं, दरवाजे सामने की तरफ पीछे की तरफ क्या सीढ़ियों को देखी जाती है, मतलब दरवाजा जैसे हमारे सामने की तरफ होता है उनकी क्या पीछे की साइड है सीढ़ियाँ वगैरह, मतलब उल्टी सीधी जमीन है, सिर के बल पर नहीं बल्कि जमीन जो टोपी है वो क्या है पैरों में लगी हुई है, और यहाँ पे चलना भी किससे हो रहा है, सिर के हाथ के बल से हो रहा है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल क्या है अलग सी दुनिया को दिखाया गया है राइटर के द्वारा। ओके तो हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। व्हेन डू चिल्ड्रंस गो टू ए स्कूल इन टॉप्सी टर्बुलेंट, तो आपने पोम में जैसे देखा टॉप्सी टर्बुलेंट में मतलब बच्चे कब स्कूल जा रहे थे, दी स्कूल गो टू दी चिल्ड्रंस गो टू स्कूल एट नाइट इन टॉप्सी टर्बुलेंट, तो कब जा रहे थे नाइट में। ओके नेक्स्ट है, इन दी पोम दी इफ बसेस ट्रेवल ऑन दी सी देन वेयर डू दी बोट्स ट्रेवल, अगर कविता में समुद्र में यदि बसें चलती है तो नाव कहाँ चलती होगी, हाउ शुड इट राइटली बी, तो इसका आंसर क्या होगा, दी बोट ट्रेवल ऑन दी स्ट्रीट ऑफ टॉप्सी टर्बुलेंट, तो बोट कहाँ चल रही थी, उलट पुलट भूमि पर चल रही थी, सड़कों पर यात्रा कर रही थी, एंड दे शुड ट्रेवल ऑन दी सी, और वे मतलब यात्रा मतलब उन्हें क्या है समुद्र में यात्रा करनी चाहिए थी, जबकि टॉप्सी टर्बुलेंट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अवर लैंड, लेट्स ड्रॉ अ कंपेरिजन बाय फीलिंग इन सेंटेंस, तो क्या है टॉप्सी टर्बुलेंट में और हमारे लैंड में क्या अंतर है। ओके हम सीधा इसका सोल्यूशन देखते हैं, जैसे टॉप्सी टर्बुलेंट और इसमें क्या अंतर है, टॉप्सी टर्बुलेंट में क्या है पीपुल वॉक इन दियर हेड्स, तो ये कहाँ किससे चल रहे थे, यहाँ के लोग अपने सिर के बल पर चल रहे थे, लेकिन हम लोग कैसे चलते हैं वॉक ऑन दियर फीट, और हम कैसे चलते हैं अपने पैरों के बल पर चलते हैं। दी बुशेस रन ऑन दी सी, जो बसेस है वो किससे चल रही थी, वो क्या है समुद्र पर चल रही थी जो बसें थी, और वैसे है बस कहाँ चलती है ऑन दी लैंड में, दे वियर दियर हैट्स इन ऑन दियर फीट, उन्होंने अपने पैरों में क्या है टोपी पहनी हुई थी, बट हम एक्चुअल में कैसे पहनते हैं, दे वियर दियर हैट्स ऑन हैट्स, बोट सेल्स इन दी स्ट्रीट, जो बोट थी वो क्या है सड़कों पर नाव चला रही थी, मतलब सड़कों पर क्या है नाव चलती है यहाँ पर, बोट सेल इन दी सी, जबकि क्या है नाव कहाँ पर चलती है समुद्र में चलती है, पीपुल पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट, पीपुल यहाँ पे किसके लिए पैसे दे रहे थे जो उन्होंने नहीं ले रहे थे, बट यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है पीपुल पे फॉर व्हाट दे गेट, मतलब जो हम लेते हैं हम उसके लिए पे करते हैं ना, जब हम दुकान में जाते हैं, दी वर्ड्स इन दी सेंटेंस आर जम्बल्ड हेयर रीअरेंज देम टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस, एंड वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर आर द फर्स्ट वर्ड इन द सेंटेंस। ओके आपको क्या करना है, जो फर्स्ट लेटर कैसे होगा कैपिटल लेटर में होगा, तो आपको यहाँ पे देखना है जैसे हर यहाँ पे कैपिटल लेटर है, हर यहाँ पे कैपिटल लेटर है, शी यहाँ पे कैपिटल लेटर है, एंड वट यहाँ पर क्या है कैपिटल लेटर है, तो उसको क्या आपको सब्जेक्ट की जगह पर रख देना, मतलब सबसे पहले रख देना है। ओके तो आपको इसको क्या रीअरेंज करना है, मतलब जैसे फर्स्ट है रेनू नोट रेनू इज, तो हेल्पिंग वर्ब बोला इसके रेनू के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, रेनू इज अ नॉटी गर्ल। ओके ये एडजेक्टिव है इसका, ये गर्ल है इस क्या है ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे क्या आएगा, हर रूम इज ऑलवेज अनटाइडी, अनटाइडी मतलब क्या है गंदा पड़ा रहता है। ओके हर तो यहाँ पे क्या है सारी मैंने आंसर अच्छे से राइट कर दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या है खुद से इसको ट्राई करो फिर क्या है आंसर देखना। ओके नेक्स्ट है राइट ऑफ फाइव थिंग्स दैट यू डू एट होम टू मेक योर होम लुक नीट एंड क्लीन, तो आप क्या क्या करते हो, जैसे आप क्या है आई स्वीप द फ्लोर ट्विंस अ डे ट्वाइस अ डे, तो हमें क्या अपने घर में क्या है दो बार झाड़ू लगाना चाहिए, हम जैसे यहाँ पर क्या है मैं ये दिन में क्या है दो बार झाड़ू लगाता हूँ, और आई आई मूव एवरी एवरी डे, तो मैं क्या प्रतिदिन जो पोछा है वो लगाती हूँ, एंड आई अरेंज द थिंग्स इन दियर सुटेबल प्लेस एंड मेक द रूम टाइडी, आई क्लीन द अन यूटेंसिल्स इन द किचन इमिडिएटली, एंड आई वैक्यूम द एंटायर हाउस रेगुलरली टू गेट रिड ऑफ डस्ट, तो क्या है मैं धूल को क्या डेली साफ करता हूँ, जिससे क्या है हमें नियमित रूप से क्या है अच्छे से मतलब घर को क्या है पूरा अच्छे से व्यवस्थित बना के रखती हूँ, जो वैक्यूम करता है अपने घर को अच्छे से जैसे डस्ट ना रहे और कोई बीमारी भी नहीं लगती। ओके टू स्टोरीज
got mixed up. Sort them out and write them in the appropriate boxes. क्या है दोस्त? तो आप कहें इन सब चीज़ों इसको सॉल्यूशन इसका मैंने दे दिया है इस ये स्टोरीज का, तो ये क्या है आप अपने आप से खुद से कर लीजिए. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक. ओके, थैंक यू.